तो इधर जेपी नड्डा कमलनाथ के गढ़ में भी हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे 6 अप्रैल को। जेपी नड्डा का और नड्डा की मौजूदगी में कई बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए यह बड़ी खबर आ रही है, अगर नड्डा यहां जा रहे हैं तो क्या बड़ा काम होने वाला है। बड़ा काम यह कि कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और सबसे बड़ा नाम दीपक सक्सेना का। दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे नड्डा। बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के समर्थन में प्रचार भी करेंगे। तो देखिए इनका जो दौरा है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें दीपक सक्सेना के भी बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। साथ ही साथ और भी बड़े नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छिंदवाड़ा के दौरे पर आ रहे हैं। 6 अप्रैल को यह दौरा है। तो कमलनाथ के गढ़ में हुंकार भरते हुए दिखाई देंगे जेपी नड्डा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ अमित द्विवेदी जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से। अमित, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये दौरा, लेकिन कुछ खास है जिस तरह की बातें सामने आ रही है, क्या दीपक सक्सेना बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं या और भी बड़े नेता आ सकते हैं? जी ललित, 24 के रण में छिंदवाड़ा जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छिंदवाड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी फोकस बनाए हुए और इस बात का प्रमाण लगातार हमें मिलता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो है वो छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं। जेपी नड्डा छिंदवाड़ा पहुंचने वाले हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने व्यापक स्तर पर तैयारियां कर रखी हुई है। बड़े कार्यक्रम की तैयारी वो कर रहे हैं, एक जनसभा को उन्होंने प्लान कर रखा है। बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं को वहां पे बुलाने की तैयारी की गई है। बड़ी मात्रा में आम सभा में आम लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। और जो अंदर खाने से खबर निकल के ललित सामने आ रही है, जिस पर ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि दीपक सक्सेना को लेकर उनकी भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग को लेकर अब बिल्कुल 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 अमित एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि कल ही रात की घटना है जब दीपक सक्सेना के घर कमलनाथ पहुंचे थे, हालांकि ज्यादा देर के लिए नहीं थे, वो 5-10 मिनट के लिए थे, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ बातचीत हुई होगी और उसके बाद भी क्या अब ये अटकेले हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जी ललित, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात की ये घटना है जिसको सबसे पहले बंसल न्यूज ने ही फ्लैश किया था, दिखाया था कि कमलनाथ जो है वो दीपक सक्सेना के गांव पहुंचे हैं, घर पहुंचे हैं, रौनक कला पहुंचकर चर्चा की है। 5 से 7 मिनट की ये चर्चा बंद कमरे में हुई थी। इसको लेकर जो है आज सुबह से ही तरह तरह की बातें और तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सूत्र बता रहे हैं कि दीपक सक्सेना ने बहुत पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में जाने का मन बना लिया, इसकी तैयारियां भी अंदरूनी तरीके से की जा रही है। बता रहे हैं कि 6 तारीख को वो बड़े लेवल पे बड़ी तैयारी करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। और एक बात अंदर से निकल के आ रही कि बड़े नेता भी इनके साथ जो है वो भाजपा में जाएंगे। जिला पंचायत के अध्यक्ष जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में छिंदवाड़ा सहित पूरे छिंदवाड़ा विधानसभा सहित पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता दीपक सक्सेना के नेतृत्व में जगत प्रकाश नड्डा जो है उनकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ का गढ़ है और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण दौरा होगा ये निश्चित तौर पर जेपी नड्डा का, क्योंकि दीपक सक्सेना यहाँ शामिल हो सकते हैं बीजेपी में और भी कई सीनियर लीडर भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस पूरी जानकारी के लिए।